तो इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। तो हम जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं उसका हमारा पर्पस ये होता है कि हम उसमें किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं उनके साथ सेम वही इशू है जो केमिकल इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स के साथ है कि वो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं, हमारी सॉइल को ख़राब करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स, दूसरे एनिमल्स, बर्ड्स, सभी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसा अप्रोच है जिसमें हम केमिकल्स का इस्तेमाल बिल्कुल करते ही नहीं हैं, तो उसमें हम बायो कंट्रोल एजेंट्स का यूज़ करते हैं जो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, और साथ ही केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल ना करते हुए हम उसमें बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर्स क्या है? दीज आर द ऑर्गेनिजम्स दैट एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल। मतलब सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को बढ़ा देना, न्यूट्रिएंट्स से सॉइल को एनरिच कर देना, ये जो ऑर्गेनिजम्स करते हैं उनको हम बायो फर्टिलाइजर्स कहते हैं। तो ज़्यादातर बैक्टीरिया, फंजाई और साइनोबैक्टीरिया हैं जो एज बायो फर्टिलाइजर्स काम करते हैं। एग्जाम्पल है इसमें राइजोबियम। राइजोबियम एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना लेता है जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स में नोड्यूल्स जो होते हैं उनके अंदर वो वहाँ पे रिजाइड करता है और एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना लेता है प्लांट के साथ। ओके, और प्लांट को जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो फिक्स करके देता है। ठीक है, देन एजोस्पाइरिलम एंड एजोटोबैक्टर, ये भी नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, बट दीज बैक्टीरिया दे आर बोथ फ्री लिविंग। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना है, राइजोबियम फ्री लिविंग नहीं है। राइजोबियम हमेशा रूट नोड्यूल्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में मिलेगा, बट एजोस्पाइरिलम एंड एजोटोबैक्टर ये कोई सिम्बायोटिक एसोसिएशन प्लांट्स के साथ नहीं बनाते बिकॉज दे आर फ्री लिविंग बैक्टीरिया। ओके, लेकिन काम ये यही करते हैं, ये एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट को देते हैं। फिर माइकोराइजा है। माइकोराइजा कहा जाता है द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन अ फंजाई एंड अ प्लांट। कुछ फंजाई जैसे कि जीनस, एक जीनस है ग्लोमस, फंगस का एक जीनस है ग्लोमस। इस जीनस में जितनी भी स्पीशीज आती हैं फंगस की, वो सभी स्पीशीज प्लांट के रूट्स के साथ एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना लेती हैं और प्लांट को प्रोटेक्ट करती हैं प्लांट पैथोजन से। उसके अलावा प्लांट के जब माइकोराइजा होता है तो ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल ग्रोथ में, प्लांट के डेवलपमेंट में। दूसरा, इसकी वजह से प्लांट को टॉलरेंस भी मिलता है अगेंस्ट सैलिनिटी या फिर ड्रॉट रेजिस्टेंस भी, ड्रॉट टॉलरेंस भी काफ़ी हद तक प्लांट को मिल जाता है बिकॉज ऑफ माइकोराइजा। तो ये माइकोराइजा के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। देन कुछ साइनोबैक्टीरिया है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट को देता है, और दूसरा सॉइल के अंदर बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर भी ऐड कर देता है। तो साइनोबैक्टीरिया जैसे कि एनाबीना, नॉस्टॉक एंड ऑसिलेटोरियम, ये तीनों वो ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स हैं जो सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इनरिच कर देते हैं।